गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं हूं आप सबकी दोस्त किट्टू जायसवाल। ये किट्टू हैं और आप सबको पता है किट्टू ने भी गुड न्यूज़ दिया है। तो हम दोनों मम्मी पापा बन चुके हैं और हम लोगों ने अपना बहुत ही प्यारा सा नया सा सुंदर सा घर खरीदा। और हम लोग कभी एक होता ना कि हर किसी का मनोकामना होती कि भाई हमारा जो बेबी हो वो हमारे खुद के घर में हो। तो ये सारी चीज़ें होता है ना कि सारा चीज़ हमारा जो भी हमने सोचा सारी ख्वाहिशें हमारी पूरी हुई। तो कभी कभी आप लोग भी सोचते हो यार अमित भैया कैसे आपने किया, कैसे आपने पैसे सेव किए, कम समय में आपने घर भी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, बहुत सारी चीज़ें। देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं प्लानिंग से। अगर आप सब लोग प्लानिंग करोगे तो जरूर होंगी। आज का जो हमारा ब्लॉग है इसमें हम लोग बात करेंगे टैक्स सेविंग के बारे में कि आप सब लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो टैक्स देते होंगे तो आप लोग कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। देखो हर कोई चाहता है अपनी मेहनत की कमाई को ना यूं ही जाया ना जाने दे। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई को सेव करना चाहता है, बचाना चाहता है। इस वीडियो में चलिए आप सब लोग को हम लोग बताएंगे टैक्स सेविंग के 5 हैक के बारे में। तो इस वाले ब्लॉग को आप सब लोग बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ये वाला वीडियो आप सब लोग के लिए बिल्कुल यूजफुल होने वाला है। जिस तरीके से हमने अपने सपनों को पूरा किया है आप सब भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस सिंपल स्टेप होते हैं, सिंपल तरीके होते हैं। आप अपनी सेविंग्स को, अपने टैक्स जो आप देते हो उससे आप लोग सेव कर सकते हो, अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हो। चले चलते हैं, समय नहीं लेंगे और आप सब लोगों को 5 हैक बताएंगे। बात करेंगे सबसे पहले हैक के बारे में। तो पहला हैक है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में बहुत ढेर सारे आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जैसे कि पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ इंप्लाई प्रोविडेंट फंड, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, टैक्स सेविंग और फिक्स डिपॉजिट, ये सब एलिजिबल है टैक्स डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप सब इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और टैक्स बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। सो गाइस अब चलते हैं, आप सब लोगों को बताते हैं दूसरे हैक के बारे में। सो गाइस बात करेंगे दूसरे टैक्स सेविंग हैक के बारे में। दूसरा टैक्स सेविंग हैक जो है वो है एचआरए एग्जेप्शन क्लेम करना। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपकी सैलरी का एक कंपोनेंट है। अगर आप रेंट पे कर रहे हो एचआरए एग्जेप्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये एग्जेप्शन कैलकुलेट होता है कि आप कितना रेंट पे करते हो और आपको कितना एचआरए मिलता है आपकी बेसिक सैलरी पे। ये भी बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने में। आपके जो भी आप टैक्स पे करोगे उसमें आपको टैक्स बिल को ये लो कर देगा, कम कर देगा। तो अब चलेंगे तीसरे हैक की तरफ और आप सबको बताएंगे तीसरा हैक क्या है। सो गाइस बात करेंगे तीसरे हैक की, क्लेम मेडिकल एक्सपेंसेस। हाँ जी दोस्तों, आप सब भी अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को क्लेम करके अपने टैक्स को डिडक्ट कर सकते हो। कुछ टाइम पहले किट्टो जब बीमार पड़ी थी तो उसका फायदा मैंने भी उठाया था, जो भी एक्सपेंसेस हुए थे उसको मैंने क्लेम किया था। तो क्लेम जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए तो क्लेम कर सकते हो आप लोग एज पर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं मेडिकल के तो वो सब चीजें आप क्लेम कर सकते हो। क्लेम आप कितना अमाउंट कर सकते हो, वो जो अमाउंट है वो है अप टू 1.5 लाख, वो भी आपका, स्पॉन्ज का, चिल्ड्रन का और जो भी आपके सीनियर सिटीजन है उनके 50,000 तक आप क्लेम करके बेनिफिट ले सकते हो अपने टैक्स डिडक्शन में। और अपनी गाड़ी जो कमाई है, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको आप बचा सकते हो। तो गाइस अब बात करेंगे इसके बाद चौथे हैक के बारे में। सो गाइस चौथा जो है हैक है वो है क्लेम एजुकेशन एक्सपेंसेस। तो भैया जो भी आप सब लोगों ने अपनी एजुकेशन में या अपनी फैमिली में एजुकेशन को लेकर के जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, जो भी आपने खर्चे किए हैं, वो टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। तो ये डिडक्शन एप्लीकेबल होता है उस इंटरेस्ट के ऊपर जो आप अपने एजुकेशन लोन के लिए
पे करते हो, अपने लिए पे करते हो, अपने चिल्ड्रन के लिए पे करते हो, अपने स्पॉन्ज के लिए पे करते हो, उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो ये गाइज ये चौथा हैक था। तो बेझिझक आप सब लोग भी अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है टैक्स सेविंग के जरिए, जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके जरिए आप सब लोग भी अपने कमाई को बचा सकते हैं। तो अब आप सब लोगों को मैं बताऊंगा पांचवें हैक के बारे में जिससे आप सब लोग अपनी कमाई को बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं, आप सब लोग को बताते हैं पांचवें हैक के बारे में। तो बात करेंगे पांचवें हैक की। जो पांचवा हैक है वो NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। NPS आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कॉर्पस भी देता है जो कि आपके सैलरी का, बेसिक सैलरी का 10% और अप टू 1.5 लाख तक आप इसमें क्लेम कर सकते हो। लोअर देन अंडर सेक्शन 80CCD के तहत आप इसमें क्लेम करके अपने कमाई को बचा सकते हो। तो भैया मैं तो ये सारी चीजें कर रहा हूं, क्या आप सब लोग भी कर रहे हो? आज का जो ये वीडियो है ना, ये आप सब लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये जो हमने जो बनाया है, ये घर वर जो ये सिस्टम उस्टम बनाया है, यही नहीं बनता भैया, दिमाग लगानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप पैसे कमाते हो ना, तो पैसे आपको चार पैसे कहां से बचाने हैं ना, ये सब चीजें आपको आपको CA के पास जाना पड़ जाता है, इधर उधर जाना पड़ जाता है, अकाउंटेंट के पास जाना पड़ जाता है। तो यहीं पे हम आपको ब्लॉग के जरिए ये सारा कुछ आपको हम आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएं, पांच हैक बताए हैं। तो आप लोग जरूर इन सब चीजों पे गौर फरमाइएगा। टैक्स सेविंग को लेकर के या किसी भी फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी, अगर आप सब लोगों को कोई भी डाउट हो, भाई मैंने तो समझा दिया आप लोगों को, अगर आप सब लोगों को लगता नहीं आपको और भी कोई भी डाउट है, तो आप सब लोग को पिरामल फाइनेंस की वेबसाइट पे जरूर विजिट करो। उनके हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनेंस में, आपकी टैक्स सेविंग में। कोई सी भी प्रकार का डाउट हो भैया, मैं भी तो मैं कहां से सीखा हूं, मैं ये चीजें आप सब लोगों को बताया हूं, कहां से जाना हूं, मैं भी तो पिरामल फाइनेंस से तो जाना हूं। तो ये कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप लोग इनकी वेबसाइट पे जरूर 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 विजिट करो। और पिरामल फाइनेंस से कोई भी, अगर आपको टैक्स या फाइनेंस से लेके कोई भी डाउट हो ना, आप इनके एक्सपर्ट से जाकर के बात कर सकते हो, ये आपके डाउट को पूरा क्लियर कर देंगे। गाइज अगर आज का ये सीरीज आप सब लोग को पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम सब लोग बात कर सकते हैं, नेक्स्ट किस टॉपिक को लेकर के हम लोग वीडियोस लेकर के आए, ये भी आप सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पिरामल फाइनेंस के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें, ऑल पे कर दें, ताकि हम लोग कोई सा भी वीडियो लेकर के आए तो आप सब लोगों तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सब लोग यही प्यार देते रहे, मुझे लग रहा है कि आज का जो ये वीडियो था आप सब लोग के लिए यूजफुल बहुत 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 रहा होगा। जरा सा भी डाउट हो, इतनी सा भी कंफ्यूजन हो, तो पिरामल फाइनेंस की वेबसाइट पे जरूर जाएं, वहां पे एक्सपर्ट बैठे हुए, फाइनेंस के एक्सपर्ट बैठे हुए, जो आपके कोई भी क्वेरी होगी उसका सही जवाब आप सब लोग को मिलेगा। जितना मैंने सीखा, जितना मैंने जाना, उसको मैंने आपको ब्लॉग के रूप में बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग को ना ब्लॉग में कभी ना कभी कोई ना यूनिक जानकारियां मिलती रहे। तो भैया ये जो घर बनाया, जो चीजें कर रहा हूं मैं, सारी कुछ सेविंग से तो कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा आप सब लोग को आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब सारा प्यार दुलार इसने, ये देते रहिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।